हाय गाइस, गुड इवनिंग। तो दोस्तों, आप में से काफी लोगों को एनएफ ट्रेड याद होगा। लिस्टिंग के 10 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आप लोग एनएफ ट्रेड पे एक एक ट्रांजैक्शन आप कर लें, हो सकता है फ्यूचर में हमें इसमें एक अच्छा एयरड्रॉप मिले। एयरड्रॉप तो नहीं मिला, लेकिन हमें $200 का उसमें एलोकेशन मिला। कई लोगों को मल्टी वॉलेट भी इसमें एलोकेशन मिला और काफी बड़ा इसमें प्रॉफिट हुआ। अभी प्राइस डाउन है नेट ट्रेड का, लेकिन जैसे ही बीटीसी स्टेबल हो रहा है तो इसका प्राइस मुझे लगता है कि $1 से लेकर $2 तक आराम से जा सकता है। तो लेकिन जिन भाई लोगों का मिस हो गया एनएफ ट्रेड, उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छी गुड न्यूज है कि ऐसे ही एक और प्लेटफॉर्म में लेके आया हूँ अभी, जो कि एकदम रिसेंटली अभी लॉन्च हुआ है। और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस पे अपनी प्रोफाइल बना लें और इसमें एटलीस्ट एक या दो ट्रांजैक्शन आप इसमें कर लें। फीस बहुत कम है, 0.01 फीस है आपका पूरे ट्रांजैक्शन में, $1 भी आपका इसमें नहीं लगेगा। तो आपको स्टेप्स बता देता हूं आपने कैसे करना है। तो इसके लिए आपके पास होने चाहिए कुछ फैंटम टोकन्स। फैंटम आप जो है बाइनेंस से आप विड्रॉ कर सकते हैं डायरेक्टली अपने मेटामास्क पे। जो इथेरियम वाला एड्रेस है वही आपका एड्रेस आपका यूज हो जाएगा, इसमें अलग आपको वॉलेट बनाने की जरूरत नहीं है, सेम एड्रेस पे आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन जो मेटामास्क की जो सेटिंग्स हैं उसमें आपने आरपीसी जो सेटिंग्स हैं उसमें आपने इंपोर्ट करना है फैंटम सेटिंग्स को, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जहां आप सेटिंग्स में आएंगे यहाँ पे आपका फैंटम ओपेरा जो है उसकी सेटिंग्स आपने ये सेटिंग्स जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। गूगल पे आप इसको ढूंढ सकते हैं, गूगल पे आपको आराम से मिल जाएंगी फैंटम की सेटिंग्स फॉर मेटामास्क, ठीक है। तो हमने आना है artreon.io पे। स्पेलिंग में आपको बता देता हूँ, artreon.io ये मार्केट प्लेस है फैंटम ब्लॉकचेन पे। और तो artreon.io पे आपके आपने करना है कनेक्ट वॉलेट पे, आपने अपना जो रेगुलर मेटामास्क है प्लीज कनेक्ट टू द फैंटम ओपेरा। तो हमने यहाँ पे सेटिंग्स अपनी चेंज करनी है और यहाँ पे सेलेक्ट करना है फैंटम। तो इसको हम इथेरियम से चेंज कर देते हैं और आ जाते हैं हम फैंटम ओपेरा पे। गाइस, मैंने जैसे बताया कि आपके पास कुछ स्मॉल अमाउंट में फैंटम होने चाहिए। फैंटम टोकन का प्राइस ज्यादा नहीं, अराउंड 1.2-1.3 के आसपास है अभी। तो आप इसमें अराउंड 10-20-30 के आप फैंटम टोकन आप अपने मेटामास्क में आप विड्रॉ कर सकते हैं। सेटिंग्स आपको इंपोर्ट करनी पड़ेंगी फैंटम ओपेरा की। अब मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसमें कोई एक NFT कम प्राइस की $2-3 की आप इसमें बाय कर लें और बाय करके आप उसको लिस्ट कर दें। आपने करना है एक्सप्लोर, और यहां पे आप कोई कम प्राइस की कम वैल्यू की आप NFT, क्योंकि हमें सिर्फ एक सिंगल ट्रेड करना है, बाय करना है सेल करना है। अब कैसे करना है, आप बाय कर लोगे लेकिन सेल कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए मेरे को 6 फैंटम की, तो हम इसको कर लेते हैं क्योंकि हमें गाइस अभी मैं NFT को नहीं देख रहा हूँ। अभी मेरे को सिर्फ अपनी ट्रांजैक्शन यहाँ पे मेरे को अपनी पूरी करनी है। तो और यहाँ पे आपने स्टेटस में आके आपने सेलेक्ट करना बाय नाउ, क्योंकि कुछ जो है बिड्स पे होंगी तो बिड वाली पे आपकी ट्रांजेक्शन पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप भी उसमें बिड करके प्राइस लगा दोगे, हो सकता है वो आपकी ट्रांजेक्शन पूरी हो या ना हो, जो सेलर है वो आपको ऑफर आपके ऑफर को कंप्लीट करे या ना करे। तो ये है एक दो फैंटम की, लेकिन ये मेरे को बहुत बेकार लग रही है। तो
ये वाली कर लेते हैं गाइस, छह फैंटम में इसका प्राइस है $7.8। तो मैं इसको कर लेता हूँ बाय, इसको कर लेता हूँ बाय। हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है गाइस, यहाँ पे आपको एरर शो करेगा इनसफिशिएंट ड्राफ्ट एफटीएम बैलेंस। तो हमें क्या करना है, हमें एफटीएम को रैप एफटीएम में पहले रैप करना पड़ेगा। आपने आना है pwawallet.phantom.network पे। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, pwawallet.phantom.network। तो यहाँ पे आपको इसको करना है कनेक्ट, और यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन दिखेंगे आपको, होम वॉलेट स्टेकिंग, इसमें आपने जाना है एफ स्वैप पे आपने सेलेक्ट करना है फैंटम। तो यहाँ पे मेरे पास 11 फैंटम है शो कर रहा है, रैप एफटी में है भी 0, तो मेरे को चाहिए 6 एनएफटी में, 6 फैंटम की है। तो मैं कर देता हूँ इसको 6 से थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, और इसको कर देता हूँ सबमिट। सबमिट मेटामास्क की फीस बहुत कम है गाइस, देखो 0.01 एफटीएम, मतलब 1 सेंट से भी कम फीस है इसकी। वेरीफाइंग ट्रांजैक्शन, तो ये अब हमारा फैंटम जो है वो हो गया रैप। अब हम वापस अपनी साइट पर आ जाते हैं artion.io पे। अब हम करते हैं इसको बाय। एक्सप्लोर में हमने करना है रिसेंटली क्रिएटेड, और स्टेटस में हमने करना है बाय नाउ। बिड नहीं करना गाइस, बिड में और ऑक्शन वाली में नहीं करना, हमें सिर्फ एक एनएफटी कम प्राइस की हमें सिर्फ बाय करनी है और सेल करनी है। आ जाते हैं वापस। इसमें आ जाते हैं, एक्सप्लोर, और स्टेटस में कर देते हैं बाय नाउ। यू हैव बॉट द आइटम। तो बस ये होगी मेरी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब मेरे को क्या करना है, अगर मेरे को सेकंड वॉलेट को भी इनेबल करना है, अगर आप चाहते हो एक से ज्यादा वॉलेट में, तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिस्ट कर देता हूँ। मैंने 6 फैंटम में इसको बाय किया, मैं इसको 7 फैंटम में मैं इसको लिस्ट कर देता हूँ, और इसको मैं अपने दूसरे वॉलेट से मैं इसको बाय कर लूंगा। तो मैं अगर इसमें कुछ एयरड्रॉप मिला या कोई हमें एलोकेशन मिला इन फ्यूचर, तो मेरे दोनों वॉलेट्स जो हैं वो एलिजिबल हो जाएंगे, और सेम एक ही एनएफटी से। तो ये हो गई गाइस हमारी लिस्ट। तो ये है हमारी क्रिप्टोपंक 3609। इसको कर देते हैं यहाँ से साइन आउट, और अब हम आ जाते हैं दूसरे वॉलेट में मेटामास्क, और यहाँ से मैं वॉलेट कर देता हूँ चेंज। कर देते हैं कनेक्ट। अब दूसरे वॉलेट में आके आ जाते हैं फिर से एक्सप्लोर पे। एक्सप्लोर में रिसेंटली लिस्टेड, और स्टेटस में बाय नाउ है ना। तो सबसे ऊपर हमारी ही एनएफटी दिखाएगा, तो अब मैंने वहां पे लिस्ट किया और यहाँ पे मैं इसको बाय कर लूंगा। तो एक ही एनएफटी को मैंने ही खुद ही बाय सेल कर लिया, और दो मेरे वॉलेट्स इसमें एलिजिबल हो जाएंगे अगर हमें कोई इसमें एयर ड्रॉप मिलता है या अगर कोई एलोकेशन मिलता है इन फ्यूचर, सेम जैसे हमने एनएफटी ट्रेड में किया था, सेम वही प्रोसेस है। माय प्रोफाइल में जाके आपको यहाँ पे शो हो जाएगी माय आइटम्स के अंदर, जैसे ओपनसी में आप देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे ये शो हो जाएगी। ये मैंने एक और एनएफटी यहाँ पे खरीद ली थी ऐसी,
बिना किसी यूज के। तो आ जाते हैं एक्सप्लोर पे, तो ये देखो रिसेंटली मैं रिसेंटली लिस्टेड में अपनी मेरी खुद की एनएफटी आ गई। और अब मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ इसको बाय, तो वहां से हो जाएगी सेल और यहाँ पे हो जाएगी बाय। तो मेरी इधर भी एक ट्रांजेक्शन हो गई और उधर भी एक ट्रांजेक्शन हो गई। तो वही प्रोसेस है, इनसफिशियंट रैप एफटीएम, मेरे को एफटीएम जो है को रैप करना पड़ेगा दोबारा से पीडब्ल्यूए वॉलेट में जाके। इसमें रैप एफटीएम पड़े हैं 6.2, तो मेरे ख्याल से मेरे को 7 चाहिए, तो मैं थोड़ा सा ही करता हूँ इसमें, नहीं कर लेता हूँ सबमिट। ये हो गया गाइस, मैं इसको कर लेते हैं बाय, अब हो जाएगा। यह बॉर्ड आइटम और ये आपके यहाँ पे प्रोफाइल में मिल जाएगा आपको। सिंपल से स्टेप्स हैं, आप मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको कर लो। $5,000 लगा के हो सकता है आपको 100, 200, $300 का आपको एलोकेशन मिल जाए, 2,000-3,000 या $4,000-5,000 का आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। कोई कंफर्मेशन नहीं है ऐसी, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि फैंटम काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इनका एनएफटी मार्केट प्लेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जब अपना टोकन लॉन्च करेंगे डेफिनेटली अर्ली जो सपोर्टर्स हैं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट इसमें ज़रूर मिलेगा। सो गाइस थैंक यू फॉर योर टाइम एंड हैव अ गुड नाइट।